Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the pressure P and the volume V of an ideal gas both increase in a process. Okay, so देखो एक process है जिसमें pressure and volume दोनों increase होते हैं. Such a process is not possible. Okay, so कैसे check करेंगे? हम ideal gas equation से check करते हैं. PV is equal to nRT. Now pressure increase होता है and volume भी increase होता है. It means जो left hand side है वो increase होता है. नाउ राइट हैंड साइड में देखो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आइडियल गैस के सिस्टम में वो तो कांस्टेंट रहेंगे. लाइक वंस यू हैव डिफाइंड योर सिस्टम जो आइडियल गैस के मोल्स हैं आपके सिस्टम में वो तो फिक्स हैं. सो दैट विल बी कांस्टेंट एंड आर दैट इज गैस कांस्टेंट. सो वी कैन से कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा बिकॉज आप देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंक्रीज होता है. सो इट मीन्स जो राइट हैंड साइड है वो भी इंक्रीज होना चाहिए. इट मीन्स जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा. सो ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल है राइट. अगर क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन होता कि प्रेशर इंक्रीज होता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है बट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है या फिर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है. सो इस तरह का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड इस प्रोसेस के वैलिडेशन के लिए टेम्परेचर को भी इंक्रीज होना पड़ेगा राइट. फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन से. सो आप देखो जो ऑप्शन सी है ना वो करेक्ट है. जो टेम्परेचर है वो मस्ट इंक्रीज होगा. द वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. सो देखो अगर हम वर्क डन की बात करते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी राइट. सो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? देखो ये जो प्रेशर है ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. इफ वर्क इज पॉजिटिव देन जो चेंज इन वॉल्यूम है डी वी ये भी पॉजिटिव होना चाहिए. इट मीन्स जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो इंक्रीज होना चाहिए. सो जब भी सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और यू कैन से जो गैस है वो एक्सपांड करती है उस केस में द वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो ऑप्शन बी ऑल्सो करेक्ट. हीट सप्लाई टू द गैस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ऑफकोर्स नॉट. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. यहाँ पे जो वर्क डन है वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी है राइट. उसका एक पॉजिटिव वैल्यू है. सो यू कैनॉट से कि जो हीट है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इफ वर्क डन इज जीरो इन दैट केस हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. वो किस प्रोसेस में होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में राइट. सो ऑप्शन डी ऑल्सो नॉट करेक्ट. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. कीप वर्किंग एट बेस्ट ऑफ लक. बाय.